नमस्कार दोस्तों, आप ये जानते हैं कि जब आप कोई दवा खरीदते हैं तो उसमें एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। उस एक्सपायरी डेट के निकल जाने के बाद आप वो मेडिसिन यूज़ नहीं करते, वो मेडिसिन आपके लिए हानिकारक हो सकती है और वो मेडिसिन ख़राब हो जाती है। दोस्तों, एक्सपायरी डेट होम्योपैथी में भी होती है, तो आज मैं इसी के बारे में कुछ आपको बातें बताऊंगा और कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में हर चीज़ की एक उम्र होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग टाइम होता है जब वो पैदा होता है, जब वो बनता है, और उसके बाद एक एक्सपायरी टाइम होता है जब उसका काम ख़त्म हो जाता है और वो काम लायक नहीं रह जाता। दोस्तों, ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन का भी एक एक्सपायरी टाइम होता है, एक एक्सपायरी डेट होती है और एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट का मतलब होता है कि जब होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर मैं ये वॉर्टेक्स क्रीम की बात करूँ तो ये वॉर्टेक्स क्रीम मेडिसिन कंपनी में बनी हुई है। वहाँ पर ये जब बनती है ये वॉर्टेक्स क्रीम, इसमें थूजा, कैल्केरिया फ्लोर और एंटियम क्रूड मेडिसिन मिली हुई है। तो जिस दिन वो बनती है, मान लीजिए इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2/17, मतलब फरवरी का महीना 2017 में ये बनी हुई है। तो फरवरी के महीने में बनी हुई है 2017 में। अब चलते हैं इसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा एक जगह कि एक्सपायरी डेट 60 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 5 साल बाद ये जो वॉर्टेक्स ऑइंटमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। मैं भी किसी भी पेशेंट को एक्सपायरी डेट की मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ दोस्तों। तो जैसा आपने देखा कि ये वॉर्टेक्स ऑइंटमेंट की एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक एक्सपायरी डेट है, तो आपको मिलते हैं 60 महीने, मतलब 5 साल। 5 साल के बीच में आप वो मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। आप ये खुद यूज़ कर सकते हैं या अपने पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर होम्योपैथिक मेडिसिन 5 साल की एक्सपायरी डेट के साथ आती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद आप 5 साल तक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं एज़ गवर्नमेंट लॉ। तो इंडियन गवर्नमेंट लॉ के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो 5 साल तक आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ आई ड्रॉप्स हैं, कुछ ईयर ड्रॉप्स हैं जिसमें 36 महीने की एक्सपायरी रहती है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये है मेरे पास सिनेरिया मारेटिमा यूफ्रेशिया आई ड्रॉप, जो कि SBL कंपनी की है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1/18, ठीक है, और एक्सपायरी डेट 36 महीने बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, मतलब 36 महीने बाद इस आई ड्रॉप को आपको आँख में नहीं डालना है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिंस हैं जो 36 महीने में एक्सपायर हो जाती हैं और ऐसी बहुत सारी मेडिसिंस हैं जो 60 महीने बाद एक्सपायर हो जाती हैं। एक्सपायरी डेट का मतलब ये होता है कि अगर ये अल्फ़ा टॉनिक, जो कि डॉक्टर रेकवेक की है, जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 12/2020, तो 12/2020 मतलब दिसंबर 2020 के बाद आप ये अल्फ़ा टॉनिक ना किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर किसी के घर में रखी हुई है तो उसको भी यूज़ नहीं करना है। ख़ासकर दोस्तों, जो टॉनिक होती है वो तो ख़राब हो ही जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में शुगर रहता है, शक्कर रहता है, जो स्वाभाविक बात है। एक शक्कर की एज होती है, उसके बाद शक्कर ख़राब हो जाता है, शक्कर से बना हुआ सिरप ख़राब हो जाता है। तो टॉनिक तो 100% ख़राब हो जाती हैं 5 साल में दोस्तों। जहाँ तक रही क्रीम की बात, तो ये भी ख़राब हो जाती है 5 साल में दोस्तों। और जहाँ तक रही आई ड्रॉप की बात, तो ये भी ख़राब हो जाता है 36 महीने में, या जो भी उसकी एक्सपायरी डेट है उसमें दोस्तों। अब चलते हैं बायोकेमिक मेडिसिंस की तरफ। तो जो मेरे पास साइलिशिया 6X पड़ी हुई है, इसकी एक्सपायरी डेट बहुत पास में है, 1/2019। तो 2019 में ये एक्सपायरी हो जाएगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी 2014, तो लगभग 5 साल दिया गया। और बायोकेमिक मेडिसिंस भी ख़राब हो जाती हैं, उसमें मॉइस्चर लग जाता है। और अगर आपने उसको खोल दिया है, मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा पाउंड है और आपने खोल के पेशेंट्स को दे रहे हैं आप, तो उसके अंदर मॉइस्चर लग जाता है, वो हल्का सा फंगस भी लग जाता है। तो जब भी बायोकेमिक मेडिसिन, उसका जो रंग है वो हल्का सा चेंज हो जाए, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और उसकी एक्सपायरी डेट के बाद बायोकेमिक मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं मदर टिंचर की तरफ। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर क्रेडस
मदर टिंचर पड़ी हुई है। दोस्तों क्रेडस मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मदर टिंचर होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए और बहुत सारे सिम्टम्स के लिए। इसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं दोस्तों और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है नवंबर 15, एक्सपायरी डेट है अक्टूबर 20। तो ये अक्टूबर 20 के बाद यूज़ नहीं करना चाहिए मदर टिंचर को भी। तो मदर टिंचर भी एक्सपायरी हो जाती हैं और मदर टिंचर में भी 5 साल की एक्सपायरी आती है दोस्तों। लास्ट में मैं डाइल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो होम्योपैथी में हम सब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन यूज़ करते हैं। ये मेरे पास एक्टिया स्पाइकेटा 200 पड़ी हुई है, मेडिसिन कंपनी की है ये, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 11/16, मतलब नवंबर 16, और एक्सपायरी डेट है 10/21। तो 2021 में ये एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि डाइल्यूशन कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। अप्रॉक्स मान के चलिए कि लगभग 15 साल तक तो बिल्कुल डाइल्यूशन ख़राब नहीं हो सकते हैं। तो डाइल्यूशन को आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो मदर टिंचर है, बायोकेमिक हैं और साथ में जो आपकी सीरप है और जो ड्रॉप्स आते हैं, ड्रॉप्स में भी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। तो ये मेरे पास है R33 जो कि एपिलेप्सी की ड्रॉप है, आर ग्रुप की मेडिसिन है। तो इसमें आप जब ऊपर देखेंगे तो आपको एक्सपायरी डेट मिलेगी 9/2022 को ये मेडिसिन एक्सपायर हो जाएगी। और ये इंपोर्ट मतलब इंडिया कब आई है, तो इंडिया आई है 2018 में, 2 फरवरी 2018 में। तो जो डॉक्टर रेक्वेक की मेडिसिन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी रहती, इंपोर्ट डेट लिखी रहती है। मतलब जब इंडिया आने का समय लिखा रहता है उससे मान लीजिए 1-2 महीने पहले ही मैन्युफैक्चर हुई है, मतलब ये दवा लगभग मान के चलिए कि 1/2018 या 12/2017 में ये मेडिसिन बनी हुई है। एक्सपायरी इसकी 22 है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये एपिलेप्सी के लिए R33। तो हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। हमें एक्सपायरी डेट देख के ही कोई भी मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए और एक्सपायरी डेट के बाद मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे वो आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, चाहे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करें, चाहे आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें। तो एक्सपायरी डेट देख के ही मेडिसिन लें, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के ही मेडिसिन लें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज के बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।